आज झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फुलजोड़ी से हर्षन डी तक की 4 किलोमीटर लंबी सड़क का विधिवत शिलान्यास किया। यह सड़क लंबे समय से क्षेत्र की ग्रामीणों की प्रमुख मांग रही है, जो अब साकार हो रही है। मंत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, मैंने मंत्री बनने से पहले भी इस सड़क के निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन अब इसे पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरा उद्देश्य हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि इस सड़क के निर्माण से बड़ी गाड़ियों के आवागमन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो जाएगा और क्षेत्र के लोग आसानी से यातायात कर सकेंगे। पूरे जामताड़ा विधानसभा में लगभग 40 करोड़ की लागत से कई सड़क योजना लाने का काम किया हूं। फुलजोड़ी चलना हरचंडी पथ जो टोटल यहाँ ट्रैवल है मेरा आदिवासी, इन लोगों की मांग थी कि विधायक जी आप सड़क बना दीजिए। विधायक जी नहीं बना सक रहा था, मंत्री जी सड़क बना दीजिए, तो मंत्री जी अब सड़क बना रहा है। लोग का बना ही दिया, लगभग देखिए लगभग 4 किलोमीटर की सड़क, अत्यंत जर्जर सड़क था। यहाँ पर किसी ने खदान ले लिया, खदान के बाद जो सड़क की दुर्दशा हुई आप बता नहीं सकते हैं। ये जो पूरा पंचायत जो मेरा सबसे ज़्यादा विश्वासी पंचायत है, यहाँ के लोग हर सुख में दुख में लाख प्रलोभन देता है भाजपा, लेकिन नहीं किया। लाख अन्य पार्टी प्रलोभन भी दिया, लेकिन यहाँ के लोग ने कहा कि नहीं, हम अगर एक साथ हैं तो हम इरफान अंसारी के साथ हैं। जिसका परिणाम है देखिए, अभी बहुत बड़ा पुल मैंने दिया, यहाँ सारा सड़क में दे दिया हूँ, कोई ऐसा सड़क नहीं बचेगा जो यहाँ काम नहीं होगा। हमारा आदिवासी लिया, इनका भी सपना है कि हम पक्की सड़क पर चले, इनका भी सपना है कि हमारा पुल बने, इनका भी सपना है कि हमारा बाल बच्चा दूसरे जिलों में जाके पढ़े। तो ऐसी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ,